सो फ्रेंड्स, बिहार में जो राशन कार्ड बनाने के नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत जीविका के माध्यम से राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया थी, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जीविका हमारी बात नहीं मान रही है, जीविका के पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। तो दोस्तों, सभी का छानबीन करते हुए मैंने जो है अपने ज़िले में अधिकारी से बात की है और अधिकारी से जो जानकारी मिली है, कॉल पे मेरी बात हुई है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनाऊंगा। राशन कार्ड है तो भी आपको राशन मिलेगा, राशन कार्ड नहीं है तो भी आपको राशन मिलेगा। अभी जो है कोविड-19 के वजह से जो बंदी हुई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार जो है राशन कार्ड धारकों को भी राशन देगी। राशन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाएगा और 1,000 रुपया इन लोगों को भी दिया जाएगा। राशन कार्ड धारक है फिर भी, नहीं है फिर भी, सब कुछ मैं आपको ऑफिशियल बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका, अगर वो राशन कार्ड के लिए लाभार्थी हैं, अगर वो राशन कार्ड के लिए ज़रूरतमंद हैं और वाजिब में उनका नाम राशन कार्ड लिस्ट में होना चाहिए, वाजिब में उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, तो जीविका के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल पे ले चलता हूँ और प्रोसेस में आपको 2-3 वीडियो का बता देता हूँ जिसको देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों, जो टर्म्स एंड कंडीशन आया था 2 दिन पहले, मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखा दिया। ठीक है, इसको लगभग 1,15,000 लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक भी किया है। ये प्रोसेस 200% की मेरी गारंटी है, एकदम सही है और जेन्युइनिटी भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका जो प्रॉपर गाइडलाइन आया था, उस गाइडलाइन की जो जानकारी है मैंने इस वीडियो में दिया था, मैंने आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट के वेबसाइट पर ले जाके दिखाया था। उसके बाद बात करते हैं, ये तो रहा राशन कार्ड के लिए, ये जो 3 वीडियो है, पहला यहाँ से आप राशन कार्ड के गाइडलाइन को देख पाएंगे, दूसरा इस वीडियो को देखकर आप राशन कार्ड के लिए जो फॉर्म है, नया वाला फॉर्म जो जीविका के पास जमा करना है, उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसको फिल कर पाएंगे। तीसरा जो यहाँ पर है, इसमें मैंने आपको जीविका का नंबर कैसे निकालना है, जीविका से कैसे संपर्क करना है, इसकी जानकारी दी है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर चौथा वीडियो ये देखिए, इसमें मैंने आपको बताया है जिनको राशन मिलना है और 1,000 रुपये मिलना है वो कैसे आवेदन करना है। ये 3 लोगों के लिए है, मनरेगा सॉरी जो मजदूर बिहार से बाहर फंसे हैं पहला, उसके बाद जो है जो राशन कार्ड धारक है जिनको अभी तक 1,000 रुपये नहीं मिला उनको क्या करना है, उसके बाद तीसरा जो है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको 1,000 रुपये मिलेगा उनको क्या करना है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बताया है कि बिहार में लगभग जो है 18.5 लाख नया राशन कार्ड अप्रूव हुआ है, तो लिस्ट कैसे देखना है और राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, राशन कार्ड नंबर कैसे प्राप्त करना है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला देखकर आप जो है जानकारी प्राप्त करोगे, दूसरा देखकर आप आवेदन फॉर्म जानकारी प्राप्त करोगे, इस वीडियो को देखकर आप कहाँ पर जमा करना है, कैसे जमा करना है, उसका प्रोसेस और मोबाइल नंबर की भी जानकारी मैंने दे रखी है। अब जो अधिकारी से मेरी बात हुई है उसका कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल बातें भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, एक्चुअली सर राशन कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किए थे। जी, हम मनियारपुर से हैं और हमें राशन कार्ड के प्रोसेस के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जो जीविका दीदी है ना, अभी आपकी पंचायत में होगी जीविका दीदी। जीविका कौन होता है सर? जीविका समूह होता है एक। अच्छा, तो गवर्नमेंट उसके द्वारा सबको राशन दे रहे, जिसका भी नाम राशन कार्ड में नहीं है। तो वो काम जीविका दीदी को ही दिया है कि वो अपने टोला मोहल्ला में, क्योंकि एक पंचायत में 5-6 होती है वो लोग। अच्छा, समूह चलता है लोग का। ये राशन जो है फ्री वाला, ये किसको मिल पाएगा? अभी जो जीविका जो कलेक्ट कर रही है ना, जिसका नाम नहीं है, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, जरूरतमंद लोगों को ही दिया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं। ना ना, ऐसा नहीं, ऐसे भी पैसे वाले को नहीं लेना चाहिए, तो मानवता यही कहता है। तो जो गरीब लोग हैं या उसको चिन्हित करके वो सरकार उसके द्वारा जीविका के द्वारा उसको प्रोवाइड कराएगी। जीविका को फाइंड करने का कोई प्रोसेस? हम बता रहे हैं, जीविका को नंबर हम आपको दे रहे हैं, हम भेजे हैं लड़का को, पूरा जितना भी है उसका सबका नंबर लेने के लिए। अच्छा सर, एक जो है जीविका की वेबसाइट बनाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। हाँ, तो वो जो BPIL करके कुछ है, वहाँ से भी तो जीविका का नंबर निकल सकता है।
हाँ एकदम निकाल सकते हैं। drlp.in में जो स्टाफ लिस्ट रहता है, हाँ हाँ उससे भी निकाल सकते हैं, उसे फाइंड आउट करके आप कॉल कर लीजिए, उसको वो सारा प्रोसेस बता देगा। और जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया है नया, वो एक दो दिन में चिट्ठी आएगा, वो अभी चिट्ठी आया नहीं है उन लोगों के पास। मेरे पास जो अपडेट आया है bihar.gov.in के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया 19 तारीख को, उसके तहत बताया गया है कि जीविका के माध्यम से बनने का निर्देश पारित हो चुका है। और मतलब चिट्ठी आ गया लोगों जी। अगर आप ईपीडीओ पे जाके देखें तो 19 तारीख का जो सर्कुलर जारी हुआ है 1653 नंबर का फॉर्म, उसमें जानकारी दी गई है। अच्छा जी, तो उसको देख लेते हैं, देख लेता हूँ। उसको देख के ये बता सकते हैं कि जो प्रोसेस है, एक्चुअली में एक और बात सामने आ रही है कि जीविका के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो जीविका के समूह हैं उनका ही हम राशन कार्ड का फॉर्म ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं था, ये चीज तो नहीं था। एक्चुअली हम जो है बात कर रहे हैं गुप्ता यूट्यूब चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने देखा कि क्या क्या उनसे बात हुई अधिकारी से। अधिकारी से मेरी बात हुई, पहला बात ये हुआ कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी सरकार राशन देगी जीविका के माध्यम से। ठीक है, जीविका के माध्यम से इन लोगों को राशन दिया जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है, इन लोगों को 1000 रुपये भी दिया जाएगा, इसके लिए भी जीविका को चयनित करके आवेदन करना होगा। तीसरा चीज़ जो यहाँ पर देखा गया वो मैंने इन सर से बात की, अधिकारी से बात की, तो पता चला कि जीविका के माध्यम से जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और से आप कांटेक्ट करके राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, राशन कार्ड बनवाने का प्रोसेस मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। आपको चले जाना है सरकारीयोजना.com पे, URL आप ध्यान से देख लीजिए, इसी URL पे आपको आना है, इसी वेबसाइट पे। यहाँ पर आप आएंगे, आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको आ जाना है। नीचे आओगे यहाँ पर आपको जो बिहार का नया राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे बना है या ऑफलाइन कैसे बन रहा है, संपूर्ण प्रक्रिया आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। इसमें आपको जो है नया प्रपत्र संख्या कौन मिल जाएगा, पुराना प्रपत्र जो था वो 4 से 5 पेज का था, ठीक है, लेकिन COVID-19 को ध्यान में रखकर जो प्रपत्र संख्या दिया गया है COVID-19 को ध्यान में रखकर वो है मात्र 1 पेज का। इसमें एक फ्रंट पेज है और एक उसी पेज में बैक का पेज है, ठीक है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे सबसे नीचे आपको आ जाना है, यहाँ पर आपको लिस्ट वगैरह कैसे चेक करनी है उसकी भी जानकारी दी गई है और ऑल स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दी गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है पहले वाला प्रपत्र था, ठीक है, ये पहले वाला प्रपत्र था राशन कार्ड के लिए नियम आने से पहले का। तो ये जो है देखिए 3 पेज का प्रपत्र है, यहाँ पर देखिए 3 पेज का ये प्रपत्र है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी 4 पेज का है। उसके बाद जो है करेक्शन की बात करें, राशन कार्ड करेक्शन फॉर्म, तो यहाँ पर वो भी दिया गया है 3 पेज का, वो भी था। लेकिन अभी जो नया वाला फॉर्म आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है सबसे पहले गाइडलाइन है, ठीक है, यहाँ पर विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है सर्कुलर, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सर्कुलर को आप देख लीजिएगा, अगर जीविका वगैरह आपकी बात नहीं मानती है तो सिंपली आप इसको डाउनलोड करके जीविका को पढ़ा दीजिएगा। तीसरा नंबर का जो पेज है यहाँ पर अनुलग्नक 1, वो आप पढ़ा दीजिएगा जीविका को, ठीक है। और अनुलग्नक 1 जो है आधिकारिक वेबसाइट EPDS के आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। EPDS गवर्नमेंट की वेबसाइट है राशन कार्ड के लिए। और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको प्रपत्र संख्या क देखने को मिलता है, 22 तारीख के डेट में अपडेट आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर क्लिक कर जा सकते हैं। उसके बाद जो है नया फॉर्म के लिए प्रपत्र संख्या क आया था, इसको आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। वैसे ये जो पेज है बस एक ही पेज का है ये फॉर्म, लेकिन आपको जो है आगे का पेज और पीछे का पेज दोनों एक साथ दिख रहा है, जिस वजह से ये 2 पेज दिख रहा है। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे आप कोशिश करना एक ही पेज में जो है आगे का आगे प्रिंट करवा लेना और 2 नंबर का जो पेज होगा उसको उसी के पीछे प्रिंट करवा लेना, ठीक है, और उसको जो है फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए यहीं पर वीडियो आपको दिया गया है, यहां पर देखना सर्कुलर जारी है और फॉर्म कैसे फिल करना उसके लिए वीडियो जो आपको हमारे चैनल पे इस वीडियो में बताया गया है, 2 दिन पहले मैंने दिया है, पूरा कैमरा के माध्यम से फॉर्म भर के मैंने आपको दिखाया है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अधिकारी से मिली जानकारी से आप लोगों को पूरा प्रोसेस पता चल चुका है, ठीक है, और जीविका आपका बात 110% मानेगा, ठीक है। जीविका अगर आपकी मदद नहीं करता है तो आप ऊंचे लेवल पे अधिकारी से कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे जिला में जो भी अधिकारी हैं उनसे आप कंप्लेन कर सकते हैं, या EPDS की वेबसाइट पर जाकर आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, या जीविका में हम आपको बता देते हैं पूरा प्रोसेस, आपको आ जाना इस लिंक पर, ठीक है। सबसे पहले आपको जो कॉन्टैक्ट करना है यहाँ पर अबाउट अस में आना है,
ह्यूमन रिसोर्सेज में आपको आना है, उसके बाद जो है आपको स्टाफ लिस्ट में आना है, और पहला प्रोसेस आपको करना है ब्लॉक मैनेजर में। तो ब्लॉक मैनेजर में सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक रहेगा आप अपना ब्लॉक के हिसाब से ही करिएगा। यहाँ पर दूसरा दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पर आप जो है एक एक करके चेक कर सकते हैं, 46 पेज दिया गया है। अपना ब्लॉक के मैनेजर से कॉन्टैक्ट करिएगा, नंबर दिया गया है। अगर ब्लॉक मैनेजर आपकी मदद नहीं करता है तो आपको कुछ नहीं करना है, माथा पच्ची नहीं करना है, बस आपको यहीं पर आना है, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए अररिया, अरवल, औरंगाबाद वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां पर बांका, बक्सर, आप अपना जिला देखिए, आपका जो भी जिला है, जैसे दरभंगा से हम अगर हैं तो दरभंगा के लिए इनसे हम बात करेंगे, मिस्टर मुकेश सुधांशु तिवारी जी से। मिस्टर मुकेश सुधांशु तिवारी जी से हम बात करेंगे, हम बताएंगे हम इस ब्लॉक से, हमारी इस अधिकारी से बात हुई थी, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं जैसा गवर्नमेंट का रूल था, तो ये आपको प्रॉपर बताएंगे, ये अधिकारी को वार्निंग देंगे, अधिकारी आपका काम करेंगे। अगर ये भी आपकी बात नहीं सुनते हैं ना, तो आपको और माथा पच्ची नहीं करना, आपको यहां पर स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर पे आना है, और यहां पर जो है आपको यहां पर नंबर दिया गया है, ठीक है। यहां पर जितने भी नंबर है किन्हीं से भी आप संपर्क करके देखेंगे, आपका 110% काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पे दी गई है, इसको देखो, फॉलो करो, राशन कार्ड के लिए अप्लाई करो, 2 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड बन जाएगा। वैसे गवर्नमेंट का 7 दिन का आदेश है, तो 2 से 7 दिनों के भीतर आपका राशन कार्ड आपको मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी का दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।